जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो शेयर मार्केट की चर्चा होती ही है। कई लोग शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। टेक्निकली स्टॉक एक कंपनी की पार्ट ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है और शेयर उसी स्टॉक का सिंगल यूनिट होता है। जब आप किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं तो वो 10 शेयर मिलकर आपकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट कहलाती है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टमेंट 101 विद कोटक 811। और आज हम डिस्कस करेंगे शेयर्स की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी है कॉमन शेयर्स वर्सेस प्रेफर्ड शेयर्स। मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं। कॉमन शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग्स पर एक कंसिस्टेंट रिटर्न पा सकते हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा या नहीं, ये निर्भर करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पर। कॉमन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं, जिससे वो कंपनी के डिसीजंस पर वोट कर पाते हैं। हर एक कॉमन शेयर का होता है एक वोट। तो मान लीजिए अगर आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर हैं तो आप उस कंपनी के डिसीजंस में 10 वोट डाल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इनके नाम में ही प्रेफरेंस आता है, तो इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को एक प्रॉमिस डिविडेंड मिलता है जो कॉमन शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, और ये डिविडेंड पहले से ही तय किया जाता है, पर इन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। और हाँ, अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उसके एसेट्स बेच दिए जाते हैं, यानी लिक्विडेट किए जाते हैं। ऐसे हालात में लेनदारों और प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है कॉमन शेयर होल्डर से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट या उसका हिस्सा वापस पाने में। और ऐसे केसेस में आमतौर पर कॉमन शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मिलती और उनका कैपिटल लॉस हो जाता है। दूसरी कैटेगरी है प्रॉफिट शेयरिंग के आधार पर, जिसमें दो किस्म के स्टॉक्स होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स और इनकम स्टॉक्स। कंपनीज अपना मुनाफा शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है डिविडेंड्स के द्वारा। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा कंपनी की एक्सपेंशन में री इन्वेस्ट कर दे तो उसके पास डिविडेंड्स देने के लिए कम फंड्स बचते हैं। ऐसी कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स तब तक रखते हैं जब तक इनकी कीमत एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ नहीं जाती, और फिर प्रॉफिट कमाने के लिए बेच देते हैं। इनकम स्टॉक्स के शेयर होल्डर्स अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक रेगुलर रिटर्न कमा पाते हैं। इन कंपनीज के फाइनेंसेस काफी मजबूत होते हैं, इसीलिए वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे मुनाफा बांट सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड्स में बट जाता है, इन कंपनीज की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है और इनके स्टॉक प्राइसेस भी बहुत तेजी से नहीं बढ़ते। ये ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में लो रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अब आती है तीसरी कैटेगरी, साइक्लिकल शेयर्स वर्सेस डिफेंसिव शेयर्स। जब किसी शेयर की प्राइस इकोनॉमिक न्यूज के कारण बहुत फ्लक्चुएट होती है तो हम उसे साइक्लिकल शेयर्स कहते हैं। जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हों तो इनकी प्राइस बढ़ती है, और अगर अच्छे ना हों तो इनकी प्राइस कम होती है। और कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कीमत पर इकोनॉमिक डाउनटर्न का इतना असर नहीं पड़ता। अब फॉर एग्जांपल, लोग फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ और यूटिलिटीज़ जैसी चीज़ें इस्तेमाल करना तो बंद कर नहीं सकते, तो जो कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनके शेयर्स को हम डिफेंसिव शेयर्स कहते हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के शेयर्स होने चाहिए, ये फैसला आपको करना है अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। तो टेक अ डीपर डाइव इनटू योर पोर्टफोलियो एंड गेट टू इवैल्यूएटिंग।